भारतीय किसान यूनियन भानु ने कोरोना काल में बाहर से प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए सोमवार को न्यूनतम वेतन अधिनियम के विहित प्रावधानों के अंतर्गत 26 दिनों के हिसाब से मासिक वेतन का भुगतान करने की मांग की है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु ने पटना में अपने कार्यकारिणी बैठक में इस मांग को प्रमुखता से उठाई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश कुमार मिश्र ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार गंभीर हो। गोवंश बचाना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन गौशाला खोल के गोवंश नहीं बचेगा। गौशाला के अनुदान से लग्जरी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, गौओं को भोजन नहीं दिया जाता। इसलिए हमारा मांग है गोवंश का गौशाला का अनुदान बंद और गौओं का गोबर खरीदा जाए। जैसे मान लीजिए मेरी गौशाला है और उसका गोबर खरीदा जाएगा तो मैं उनको भरपेट भोजन दूंगा गायों को, क्योंकि मुझे लालच है कि गोबर बिकेगा। यदि मुझे बिना बात के ही गौशाला का मिल रहा है मुआवजा या उसका अनुदान मिल रहा है तो मैं काय को भोजन दूंगा, तुमको अपने बच्चों को खिलाऊंगा, अपने बच्चों की साड़ी लूंगा, अपने अपने काम में लगाऊंगा पैसे को, गाड़ी खरीद लूंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से और जहाँ जहाँ ये गौशाला वाली व्यवस्था चलिए वहाँ सबसे गौशाला का अनुदान नहीं, गौ का गोबर खरीदा, गोबर के लालच में गौओं को भरपेट भोजन मिलेगा और गौ आपको आशीर्वाद देगी, आप कतई आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि गौओं को भोजन नहीं मिलेगा, हमारी मांग नहीं मानोगे तो गौएं आपको श्राप देगी, श्राप। तो हमारा किसानों के लिए भी, पुलिस के लिए भी, मिलिट्री के लिए भी और गौओं के लिए भी और जो गलत शौचालय उनके लिए भी ये सुझाव है कि हमारी बात माननी जाए, अति सर्वत्र वर्ज दी। और यदि हमारी बात नहीं मानेगी तो अब हमारी उम्र 70 साल हो गई है, हम निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना जानते हैं। भारत की संस्कृति रही है, संस्कृति भारत की, कि राम ने अंगद को भेजा था रावण, यदि अपनी चाहती हो खैर तो सीता जी को वापिस करो और माफी मांगो, लड़ाई नहीं होगी, तुम्हारा राज्य बना रहेगा। लेकिन नहीं मानी तो सर्वनाश हुआ, सोने की लंका में रहने वाले रावण का। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिया तो कुरुक्षेत्र का मैदान हुआ। बचाओ, गोवंश बचाना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन गौशाला खोल के गोवंश नहीं बचेगा। गौशाला के अनुदान से लग्जरी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, गौओं को भोजन नहीं दिया जाता। इसलिए हमारा मांग है गौवंश का गौशाला का अनुदान बंद और गौओं का गोबर खरीदा जाए। जैसे मान लीजिए मेरी गौशाला है और उसका गोबर खरीदा जाएगा तो मैं उनको भरपेट भोजन दूंगा गायों को, क्योंकि मुझे लालच है कि गोबर बिकेगा। यदि मुझे बिना बात के ही गौशाला का मिल रहा है मुआवजा या उसका अनुदान मिल रहा है तो मैं काय को भोजन दूंगा, तुमको अपने बच्चों को खिलाऊंगा, अपने बच्चों की साड़ी लूंगा, अपने अपने काम में लगाऊंगा पैसे को, गाड़ी खरीद लूंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से और जहां जहां ये गौशाला वाली व्यवस्था चलिए वहां सबसे गौशाला का अनुदान नहीं, गौ का गोबर खरीदा, गोबर के लालच में गौओं को भरपेट भोजन मिलेगा और गौ आपको आशीर्वाद देगी, आप कतई आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि गौओं को भोजन नहीं मिलेगा, हमारी मांग नहीं मानोगे तो गौएं आपको श्राप देगी, श्राप। तो हमारा किसानों के लिए भी, पुलिस के लिए भी, मिलिट्री के लिए भी और गौओं के लिए भी और जो गलत शौचालय उनके लिए भी ये सुझाव है कि हमारी बात माननी जाए, अति सर्वत्र वर्ज दी। और यदि हमारी बात नहीं मानेगी तो अब हमारी उम्र 70 साल हो गई है, हम निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना जानते हैं। भारत की संस्कृति रही है, संस्कृति भारत की, कि राम ने अंगद को भेजा था रावण, यदि अपनी चाहती हो खैर तो सीता जी को वापिस करो और माफी मांगो, लड़ाई नहीं होगी, तुम्हारा राज्य बना रहेगा। लेकिन नहीं मानी
तो सर्वनाश हुआ। सोने की लंका में रहने वाले रावण का पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिया तो कुरुक्षेत्र का मैदान हुआ। डीजल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में सारे काम किसानों के डीजल से होते हैं। डीजल से ही जुताई, डीजल से ही गहाई, डीजल से ही मड़ाई। अब हल बैल का जमाना तो बहुत पीछे चला गया। हम छोटे थे तब हमारे यहाँ हल बैल से खेती होती थी, ट्रैक्टर का बच्चा भी नहीं था। आता ट्रैक्टर कंप्यूटर माझे फलाने धमाके सब काम डीजल से, और डीजल इतना महंगा और हमारे दाम फसल के नहीं मिल रहे, इसलिए आत्महत्या करने के लिए तो हमारे भारत के राजनेता हमको उत्साहित कर रहे हैं। दूसरी बात, एक आपके यही बिहार की बात नाराज हो जाता है तो हम प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्रियों से, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से हित मांगेंगे और कहां जाना है। अब यदि हम कांग्रेस के पास जाए तो उन पर क्या रखा है, बताओ उन पर क्या रखा है। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय ले लो, इस किसान को बचा लो, मजदूर को बचा लो और इसको आजाद कर दो। 72 साल से इसको गुमराह किया गया है, गुलाम बनाया गया है, ये हमारी विनती है। और नहीं करोगे तो, ऐसा नहीं करोगे तो अति सर्वत्र बरसते, तो हम कह चुके हैं कि फिर भानु किसान हित में, मजदूर हित में, न्याय के हित में और अन्याय के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 72 साल बाद किसानों की मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को लेकर, व्यापारियों की मांगों को लेकर और अन्याय के खिलाफ एक महाभारत करेगा। महाभारत उसमें देश के जो सताए गए किसान मजदूर हैं सब भाग लेंगे और भानु महा नेतृत्व करेगा और सारी मांग अपनी पूरी करवा लेगा। इसी के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। डीजल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में सारे काम किसानों के डीजल से होते हैं। डीजल से ही जुताई, डीजल से ही गहाई, डीजल से ही मड़ाई। अब हल बैल का जमाना तो बहुत पीछे चला गया। हम छोटे थे तब हमारे यहाँ हल बैल से खेती होती थी, ट्रैक्टर का बच्चा भी नहीं था। आता ट्रैक्टर कंप्यूटर माझे फलाने धमाके सब काम डीजल से, और डीजल इतना महंगा और हमारे दाम फसल के नहीं मिल रहे, इसलिए आत्महत्या करने के लिए तो हमारे भारत के राजनेता हमको उत्साहित कर रहे हैं। दूसरी बात, एक आपके यही बिहार की बात नाराज हो जाता है तो हम प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्रियों से, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से हित मांगेंगे और कहां जाना है। अब यदि हम कांग्रेस के पास जाए तो उन पर क्या रखा है, बताओ उन पर क्या रखा है। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय ले लो, इस किसान को बचा लो, मजदूर को बचा लो और इसको आजाद कर दो। 72 साल से इसको गुमराह किया गया है, गुलाम बनाया गया है, ये हमारी विनती है। और नहीं करोगे तो, ऐसा नहीं करोगे तो अति सर्वत्र बरसते, तो हम कह चुके हैं कि फिर भानु किसान हित में, मजदूर हित में, न्याय के हित में और अन्याय के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 72 साल बाद किसानों की मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को लेकर, व्यापारियों की मांगों को लेकर और अन्याय के खिलाफ एक महाभारत करेगा। महाभारत उसमें देश के
जो सताए गए किसान मजदूर हैं सब भाग लेंगे और भानु महा नेतृत्व करेगा और सारी मांग अपनी पूरी करवा लेगा। इसी के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज तो घर घर शौचालय ऐसे बनने, और यदि ये दूषित हो गई, जमीन प्रदूषित हो गई, तो फिर आपके आने वाली औलादें कहाँ जाएंगी? क्या चंद्रमा पे जाके रहेंगे? तो इसलिए शौचालय बनवाए जाए, लेकिन अंदर पक्के टैंक बनवा के शौचालय बनवाए जाए, एक ही बात। दूसरी, हमारा जो सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। अखबार और टीवी में हम देख रहे हैं कि उनको आत्महत्या करने के लिए किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसी ने मजबूर कर दिया। जिसने मजबूर किया हो, मेरी मांग है, सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, जिसने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो, सरकार अपने गुप्तचर विभागों द्वारा पता करे, और जो उनकी मौत में सहायक नजर आवे उनको दंड दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। ये सारी मांगे हमारी, हम किसी पार्टी के न तो विरोधी न किसी मित्र है, हम तो जो अच्छा काम करेगा उसके ही मित्र हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, क्यों कि हम तो पूरे भारत नहीं, विश्व में जितने मानव समुदाय हैं, जितनी हमारी बहन बेटियां हैं, उनसे अपने को सबसे छोटा मानते हैं। क्यों कि तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, ईश्वर अंश जीव विनाशी। आप ईश्वर के अंश हो, इसलिए चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, पूरे देश पूरे विश्व के इस मानव समुदाय के, चाहे वो हमारे पुरुष हो चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारे भैया हो चाहे हमारी बहने हो चाहे हमारी बेटियां हो, मैं सबके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और भारत सरकार से, चूंकि भारत सरकार हमने बनाई और हम सरकार से न मांगे तो राहुल गांधी से मांगेंगे क्या? राहुल सोनिया गांधी से मांगे? आप बताओ किन से मांगे? हम बाप से बेटा फीस मांगता है, पढ़ाई की फीस मांगता है, खाने के लिए पैसा मांगता है,